मड़वन के पकड़ी स्थित आदर्श बूथ संस्था 242, 243, 244 पर घंटों से लोग धूप में लाइन में लगे हैं। कोई व्यवस्था नहीं है जिसके कारण मतदाताओं को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रोजेदार महिलाओं और लोगों को काफी दिक्कत हो रही है, ना ही पानी और ना ही पंडाल की व्यवस्था है। टुडे 24 पर खबर का असर देखते हुए तुरंत स्थानीय उप मुखिया शमशेर आलम ने पानी की व्यवस्था करवाई। काफी विधानसभा क्षेत्र के आज मतदान प्रारंभ हो गया है। सुबह से ही महिलाओं की लंबी कतार लग गई है। हम लोग पहुंचे हैं मड़वन प्रखंड के आदर्श बूथ संख्या 242, 243, 244। यहां पर कहने को आदर्श बूथ है, मतदाताओं के लिए कोई सुविधा की व्यवस्था नहीं किया गया है। आप देख सकते हैं इधर चारों तरफ महिलाएं किस तरह से लंबी लाइन कतार धूप में खड़ी हैं। प्रशासन की तरफ से कोई छाया की व्यवस्था नहीं किया गया है। आइए हम मतदाताओं से ही पूछते हैं और जानते हैं उनका हाल। आप बताइए माता जी, क्या व्यवस्था किया गया है प्रशासन की तरफ? क्या आप लोग क्या व्यवस्था के बारे में बताइए, क्या मुद्दा है आपका? हम बताइए क्या व्यवस्था किया गया है आप? क्या व्यवस्था किया गया? देखिए किस तरह से यहाँ महिला मतदाताएँ आप लंबी कतार यहाँ लंबी कतार लगी हुई है महिलाओं की। आप देख सकते हैं कोई व्यवस्था नहीं किया गया है प्रशासन की तरफ से। आइए बात करते हैं यहाँ के उप मुखिया हैं निराले जी, उनसे बात करते हैं कि यहाँ क्या व्यवस्था किया गया है। उप मुखिया शमशेर आलम जी, यहाँ हम तो रोजा में हैं, सुबह में आए हैं, कुछ व्यवस्था नहीं देखे हैं, तो पानी मंगवाए हैं और शमियाना भी अलग गलत तरीके से लगा दिया था लगाने वाला। हम देख रहे हैं इसमें, हम तो मेहनत कर रहे हैं, जो हमसे पब्लिक को सुविधा मिलता है वो हम कर रहे हैं। क्या क्या है, महिलाएं बड़ी संख्या में खड़ी हैं? महिला तो सब रोजेदार है, ज़्यादा रोजेदार महिला यहाँ इस बूथ पे है और उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं। बूथ इंचार्ज संध्या मैम आई थी तो वो हमसे वादा करके गई थी कि हम लोग यहाँ पे अच्छा से अच्छा व्यवस्था करेंगे, लेकिन उनका भी पता नहीं है। नंबर भी दे के गई थी, कोई दिक्कत होगा तो फोन करना, लेकिन उनका भी कोई पता नहीं है। आदर्श बूथ पे कुछ नहीं है, जैसा सुविधा होना चाहिए वैसा सुविधा नहीं है, लेकिन हम अपने स्तर से जो होना चाहिए हम पब्लिक के लिए पानी और यहाँ ठंडा धूप से छांव से बचने के लिए हम व्यवस्था कर रहे हैं। ये थे हमारे स्थानीय उप मुखिया शमशेर आलम। अब आइए बात करते हैं पेट्रोलिंग मजिस्ट्रेट हमारे समक्ष हैं, इनसे बात करते हैं कि यहाँ क्या सुविधा और क्या व्यवस्था किया गया। मैं ये कहना चाहूँगा ये बूथ नंबर जो 242, 43 और 44 है ये आदर्श में आता है, आदर्श बूथ में, लेकिन ऐसा लगता है कि यहाँ आदर्श नाम के कोई चीज़ें नहीं है। कल मैं लाइट भी नहीं था, पंखा भी नहीं था, अंत में मैं इलेक्ट्रिशियन को बुला करके 7:30 बजे लाइट का व्यवस्था किया गया, पानी के लिए एक जार दिया गया, अभी पानी की व्यवस्था आई है। मुखिया जी अपने स्तर से कर रहे हैं, लेकिन बूथ में जो है चरमराया हुआ स्थिति है। पोलिंग मतदान शांतिपूर्वक हो